सो गाइस आज के व्लॉग के लिए हम लोग आए हैं माहिम नेशनल पार्क, विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई टू विजिट। और झूठ ना ही बोलूँ तो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि मेरे घर के पास ये इतना अच्छा गार्डन है। और इट्स नॉट अ गार्डन, ऑफ अगेन इट्स अ नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है, प्लांटेशंस है और नर्सरीज है, बट टू बी और लेक साइड लेक्स भी है यहाँ पे, लाइक लेक साइड है माहिम लेक, विच इज़ लाइक कभी साफ नहीं है, सबको पता है, पर दिस इज़ वन ऑफ द अनदर ब्यूटिफुल प्लेस दैट आई एम गोइंग टू विजिट टूडे। और मेरे साथ आज के व्लॉग को ज्वाइन करने हैं अर्चित, और हम दोनों आज साथ में यहाँ पे आए हैं, तो बिना देर किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो पहला एक इन्फॉर्मेशन जो तुम सबको जानना चाहिए मेरे हिसाब से इज़ कि यहाँ पे कैमरा यूज़ करने के लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं, जो हम लोग ने दिया क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही कैमरा यूज़ कर रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग के पास बैकअप भी होता है, कैमराज भी होते हैं और माइक भी होता है, तो अच्छे शॉट्स आएंगे, टेंशन मतलब। और उतना ही नहीं, तुम लोग देखोगे तो ये पूरा एरिया जंगल टाइप है, यहाँ पे अच्छे ट्रेल रूट्स बनाए हैं लोगों को चलने के लिए। और तुम देखोगे तो दोनों साइड यहाँ पे या यहाँ पे दोनों साइड नेचर है तुम्हारे, सो इट्स अ गुड प्लेस टू गेट अवे फ्रॉम द भाग दौड़ ज़िंदगी जो हम लोग का मुंबई में होता है। और ये लाइक मुंबई में ऐसी जगह है जहाँ पे तुम लोग आके शांति से बैठ सकते हो। और अर्चित अभी क्रिकेट खेलने के मूड पे आ गया है धीरे धीरे। तो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अंदर आने के लिए हमारे खुद के लिए कुछ तो 20 रुपये पर पर्सन है, तो दोनों का मिला के 40 और कैमरा का 100, तो टोटल 140 रुपीज़ हुआ, विच इज़ फाइन टू गिव। तो बिना देरी किए आई रोल द मॉन्टाज एंड यू गाइस हैव अ ब्यूटीफुल व्यू लुक इन दिस मॉन्टाज की यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। Here we go. अभी ये तालाब देखने आए हैं हम लोग माहिम की खाड़ी, और यहाँ से अभी ऊपर चढ़ने का प्लान है। एक्चुअली ये रूट है इधर अच्छा, पर हम लोग घूम फिर के आए। नहीं कैमरा पकड़ के चढ़ सकता हूँ, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना है? जा जा चढ़, नहीं चढ़ना, नहीं ले ले, नहीं रिस्क नहीं लेना है। शाबाश शाबाश, चढ़ जा। अरे देगा कैसे? लंबा है ये, आएगा मेरे भाई, छोड़ना मत बोलता हूँ, छोड़। अब कसम का बोले है नाजुक सा, ऊपर देखना आ गए हैं। तो ये है मेरा छोटा नया घर, गिरेगा। हाँ मेरे को लग रहा है गिरेगा। कंटेंट गिरा दे गाइस, ये व्यू के लिए मैं इतना ऊपर चढ़ा। सो गाइज अभी हम लोग लाइटिंग बेटर। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं नर्सरी एरिया में, और नर्सरी भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, साफ सुथरा है। हियर इज़ अ मॉन्टेज ऑफ दिस नर्सरी ओवर हियर एंड आई कैच यू बैक सून। Thank you.
सो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, एक लेक है, पॉन्ड है इनडायरेक्टली। तो बताता हूँ, अभी तो लॉक है यहाँ पे, अंदर नहीं जा सकते भाई। नहीं भाई ऐसा नहीं होता ना, ना। वो देख पीछे आया, देख डाकू मंगल सिंह आने थे, उसको मार देंगे। इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताया जाए तो, जब कोई बर्ड का बॉडी मरता है तो उसको वहाँ पे दफनाते हैं और फिर उसका टूनस्टोन इनडायरेक्टली लगाया जाता है वहाँ पे एज अ मेमोरी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे पसंद आया ये जगह के बारे में। तो गाइस बिना देरी किए यहाँ से निकलते हैं अभी, बहुत अच्छी जगह है, बट ठंडे क्लाइमेट में आने में मज़ा आएगा, गर्मी में थोड़ा है, अच्छा जगह है, इतना गर्मी नहीं लगता है, बट अ प्लस पॉइंट। सो गाइस आपका अनमोल अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा है। का फील आ गया। दादा चाबी से खोलो ना इसको, क्यों क्यों इधर तो आओ, अरे डरो मत, इधर तो आओ।